गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को पाठ 5 हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है मेरी माँ। इस पाठ में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव व्यक्त किया है, उसी के बारे में इसमें लिखा है। देखिए, 11 वर्ष की उम्र में माता जी का विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय आप नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के सदृश थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों के बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने गृह कार्य में माता जी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माता जी ने सब गृह कार्य को समझा लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर आ जाती थी, उन्हीं में जो कोई शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती थी। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता था, उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही उन्हें शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माता जी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब आपके विचार में कुछ उदार हो गए हो अब आपके विचार कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन जीने का सबसे बड़ा आदेश जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी वह सहायता की है जो मेजिनी को उनकी माता ने की थी। यथा समय मैंने उनकी सारी बातों का उल्लेख करूँगा। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। आपके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूँगा तो तुमसे उऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को ही है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री आत्मिक मार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दें, यही इच्छा है। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी
को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। केवल एक तृष्णा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित न किया, अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी। जन्मदात्री वरदो की अब अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। देखिए, यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। इसके बाद अभ्यासकार में सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहले देखिए, सबसे पहला शब्द है नितांत। नितांत माने एकदम, सदृश माने समान, प्रबंध माने व्यवस्था, अक्षर बोध माने वर्ण ज्ञान, अवलोकन माने देखना, वार्तालाप माने बातचीत, मेजिनी माने सन 1805 ईस्वी में इटली में जन्मे महान देशभक्त और क्रांतिकारी, यानी उनका नाम था। निर्वाह माने पूर्ण किया, प्राणदंड माने मृत्युदंड, जन्मदात्री माने जन्म देने वाली, परिशोध माने ऋण आदि का भुगतान करना, श्रेय माने यश, ताड़ना माने सुधार के उद्देश्य से मारना, ताड़ना माने सुधार करने के उद्देश्य से सजा देना या दंड देना, परिणाम माने फल, सांत्वना माने ढाढ़स, विचलित माने तृष्णा माने अप्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा, बलिवेदी की भेंट माने न्यौछावर करना, विचलित माने अधीर होना। इसके बाद आपके अभ्यास कार्य में आते हैं प्रश्नोत्तर। देखिए, प्रश्नोत्तर में सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर के रूप में तीन विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। देखिए, प्रश्न भी लिखा है, उत्तर भी दिए गए हैं, लेकिन तीन उत्तर दिए गए हैं जिनमें से दो उत्तर गलत हैं और एक उत्तर सही है। इन दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके आपको लिखना है। देखिए, प्रश्न क्या है, विस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था, 18 वर्ष की अवस्था में हुआ था या फिर 20 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अभी पाठ में मैंने बताया कि विस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था। दूसरा प्रश्न है, विवाह के समय विस्मिल की माँ गृह कार्य में दक्ष थी, अशिक्षित ग्रामीण कन्या थी, शिक्षित और रूपवती स्त्री थी। क्या है, इनमें दो आंसर गलत हैं। पहला गलत है कि गृह कार्य में दक्ष थी, दक्ष नहीं थी क्योंकि वो उस समय उनकी उम्र केवल 11 वर्ष की थी। उस समय विवाह के समय बिस्मिल की माँ अशिक्षित ग्रामीण कन्या थी। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी वैसी ही सहायता की जैसे भगत सिंह की उनकी माँ ने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद की उनकी माँ ने की थी या फिर मेजिनी की उनकी माँ ने की थी। देखिए, उनकी माँ ने ऐसे सहायता की जैसे मेजिनी की उनकी माता ने सहायता की थी। ये वाला आंसर सही है। फिर क्या है,
विस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा, क्योंकि उनका पुत्र कायर का जीवन नहीं जीना चाहता था, छिपकर नहीं रहना चाहता था, या फिर भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। ऊपर वाले दोनों आंसर गलत हैं। तीसरा गा वाला आंसर सही है कि उनका पुत्र भारत माँ की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन आता है, विस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। विस्मिल की माँ ने अपनी सहेलियों सखी सहेलियों की सहायता से पढ़ना लिखना सीखा। तीसरा क्वेश्चन, रामप्रसाद विस्मिल ने कहा था, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, केवल एक तृष्णा है। क्या तृष्णा थी? तृष्णा माने इच्छा, लालसा या पिपासा, जिसको वे पूरा करना चाहते थे। क्या तृष्णा थी? कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकूं, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। यही केवल उनकी इच्छा थी। बस आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगली बार मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।